श्रद्धा हत्याकांड मामले की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी आफताब नशा भी करता था। आफताब गांजा पीने का आदी था। श्रद्धा उसे अक्सर गांजा पीने को लेकर टोका करती थी। आफताब ने पूछताछ में बताया कि हत्या वाले दिन यानी 18 मई के दिन भी वो गांजे के नशे में था। आफताब ने कबूला कि वो श्रद्धा को मारना नहीं चाहता था, लेकिन श्रद्धा उस पर चिल्ला रही थी, जिससे आफताब को गुस्सा आ गया और उसने श्रद्धा का गला दबा दिया। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि आफताब रात भर श्रद्धा की बॉडी के पास रहकर गांजा पीता रहा। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए दिल्ली पुलिस तमाम सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी है। कोर्ट ने आफताब के नार्को टेस्ट की भी इजाजत दे दी है। अब पुलिस आफताब को हिमाचल, उत्तराखंड और महाराष्ट्र लेकर जाएगी, जहां पुलिस इस हत्याकांड से जुड़े कई पहलुओं की तलाश करेगी। वही इस मामले में एक और नई बात सामने आई है। मुंबई के डॉक्टर प्रणब कावरा ने दावा, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। किया है कि फरवरी 2021 में श्रद्धा ने उन्हें फोन कर डिप्रेशन की दवा मांगी थी, लेकिन डॉक्टर ने श्रद्धा को फोन पर दवा देने से मना कर दिया था। सिज़ोफ्रेनिक टाइप की जो बीमारी होती है उस तरह के पेशेंट्स के लिए जो दवाई होती है वो तरह की डिमांड कर रहे थे, और एज पर द गवर्नमेंट लॉ एंड मेडिकल लॉ ये दवाइयाँ हम फोन पर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। टेरर फंडिंग रोकने के लिए आज से देश की राजधानी दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आगाज हो गया है। इस सम्मेलन में 78 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है और भारत लंबे समय से आतंकवाद को झेल रहा है। हमें आतंकवाद के खतरे से सावधान रहना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकी और आतंक से लड़ना अलग विषय है। आतंकवाद का दीर्घकालीन प्रभाव गरीब और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर अधिक पड़ता है। आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है, ये मानवता, स्वतंत्रता और सभ्यता पर हमला है। पीएम ने कहा कि केवल एक समान, एकीकृत और जीरो टॉलरेंस की दृष्टिकोण ही आतंकवाद को हरा सकती है। आज बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेता का स्टिंग जारी किया, जिसके मुताबिक आपके नेता मुकेश गोयल 1 करोड़ रुपए लेते हुए दिखे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आप ठगों की ठग है, आप में ठगों को भी लूटने की क्षमता है। दिल्ली सरकार के हर पेड़ पर करप्ट उल्लू बैठा है, अंजामे दिल्ली क्या होगा। संबित पात्रा ने ये भी कहा कि हम आम आदमी पार्टी की सच्चाई सामने लाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार का खुलासा करना जरूरी है। संबित पात्रा ने करप्शन का स्क्रिप्ट राइटर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बताया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। उपराज्यपाल ने पत्र के जरिए डीडीसी यानी डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन जैस्मीन शाह को पद से हटाने के लिए कहा है। जैस्मीन शाह पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगा है। जैस्मीन शाह पर आरोप है कि वो पद पर रहते हुए बतौर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता भी बयान जारी कर रहे हैं, जिसे लेकर उपराज्यपाल कार्यालय ने सवाल भी उठाए थे, जिसके बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने जैस्मीन शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीडीसी के कामों की तारीफ की थी और कहा था कि डीडीसी सरकार का थिंक टैंक है, जो कि सरकार की योजनाओं की प्लानिंग, समीक्षा और उसे लागू करवाने में बड़ी भूमिका निभाती है। उदयपुर रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हाल ही में उदयपुर रेलवे ब्रिज पर ब्लास्ट हुआ था और इसी ब्लास्ट को लेकर एटीएस ने एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपियों से पता चला कि जमीन का मुआवजा कम मिलने की वजह से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था। राजस्थान एटीएस और एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ का कहना है कि एक आरोपी की जमीन अधिग्रहित कर ली गई थी, लेकिन इसके बाद भी उसे मुआवजा या नौकरी नहीं मिला। इससे परेशान होकर उसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो उसका आज जो राजस्थान पुलिस की जो टीम थी उसने एकजुट प्रयास करके और खुलासा कर दिया है। इसमें जो 3 अभियुक्त थे जिन्होंने इसमें इस घटना को अंजाम दिया, उन 3 को पुलिस द्वारा दस्तयाब कर लिया गया है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। गुजरात चुनाव पर हर्ष सिंघवी ने कहा कि गुजरात में चुनाव सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। गुजरात में तीसरी पार्टी कभी नहीं चली।
साथ ही ये भी कहा कि 2022 चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी। गुजरात की जनता ने ये थाम लिया है कि आज तक का सबसे ऐतिहासिक रिजल्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार सरकार बनानी है। आज गुजरात में बीजेपी चुनाव का धुआंधार प्रचार करेगी। बीजेपी राज्यों के सीएम और सांसद मेगा रैली करेंगे, साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम 3 रैलियों में चुनावी शंखनाद करेंगे। भारत ने एक बार फिर यूएनजीए में पाकिस्तान को फटकार लगाई है। पाकिस्तान ने बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाया, अपना वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया, जिसके बाद भारत के राजदूत प्रतीक माथुर ने पाकिस्तान को जमकर फटकारा। प्रतीक माथुर ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग करता रहा है, ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, भले ही पाकिस्तान के प्रतिनिधि कुछ भी मानते हो। देश में पहली बार किसी प्राइवेट स्पेन कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। हैदराबाद की स्टार्टअप एयरोट एरोस्पेस के परीक्षण यान विक्रम एस को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के तहत 3 पेलोड लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें 2 भारतीय हैं, जबकि 1 विदेशी है। इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है। विक्रम एस 545 किलोग्राम वजन और 6 मीटर की ऊंचाई वाला परीक्षण यान है, जो 83 किलोग्राम के पेलोड को 100 किलोमीटर ऊपर पहुंचाने की क्षमता रखता है। विक्रम एस सिंगल स्टेज का सबऑर्डिनेटर लॉन्च व्हीकल है, जिसे आज 11:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। श्रद्धा मर्डर केस पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने उन लड़कियों को नसीहत दी है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं। कौशल किशोर ने कहा है कि पढ़ी लिखी लड़कियां अनपढ़ लड़कियों से सबक लें और लिव इन रिलेशनशिप से तौबा करें। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर यही नहीं रुके, लड़कियों को एक और नसीहत देते हुए कहा कि लड़कियों को लिव इन की बजाय कोर्ट में शादी करनी चाहिए। और जो लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में जा रही है, जिसके साथ रहना चाहती है, उनको बाकायदा कोर्ट में लिखा पढ़ी करानी चाहिए, शादी करनी चाहिए। अगर आपको उस तरह रहना है तो आप शादी करके रहो। भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार को 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच वेलिंगटन में खेला जाएगा। इस दौरे के लिए T20 का कप्तान हार्दिक पांड्या को बनाया गया है, जबकि वनडे टीम की कमान शिखर धवन के हाथ में सौंपी गई है। टीम इंडिया ने इस सीरीज के लिए कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है, ऐसे में सभी युवा खिलाड़ियों को खुद को इस सीरीज पर अच्छा प्रदर्शन कर साबित करना होगा। पहली बार भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 इंटरनेशनल सीरीज खेली गई थी तो मैन इन ब्लू ने न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया था। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।